रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे नागपंचमी पर काल सर्प दोष के लक्षण और आसान अचूक उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज की तिथि बहुत विशेष है। आज नागपंचमी की तिथि है और नागपंचमी की तिथि में आपने देखा होगा कि लोग कालसर्प दोष के बहुत सारे निदान करते हैं। तो यदि आपको मालूम नहीं है कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में कालसर्प दोष के लक्षणों को पहचान सकें, उनके प्रभाव को पहचान सकें, तो आज मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूं। आप सबसे पहले उन लक्षणों को देखिए कि आपके जीवन में भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ये चीज़ें, ये घटनाएँ घट रही हैं, और उसके अनुसार फिर आप उसका निदान भी कर सकते हैं। नागपंचमी पर इस तरीके से आपको नाग देवता को प्रसन्न करना है। जो विधि मैं आपको बताऊं उसके अनुसार यदि आप उनकी पूजा आराधना करते हैं तो उनकी कृपा से, महादेव की कृपा से, जो भी अशुभ योग होते हैं आपकी कुंडली में, खासतौर पर अगर कालसर्प योग बन रहा है, तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। नागपंचमी हम हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है, प्रमुख त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी के रूप में हम ये पर्व मनाते हैं। यह श्रद्धा व विश्वास का पर्व है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ उनके गले के जो श्रृंगार है नाग देवता, उनकी भी पूजा की जाती है। अगर इस पर्व को देखा जाए तो ये हमारी सनातन परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व इस मायने में भी है क्योंकि ये हमें ये सिखाता है, या हम इस पर्व के माध्यम से पूरे विश्व की सभ्यता को ये एक संदेश देते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हमारा जो धर्म, हमारी जो सनातन परंपरा है, यह हर एक प्राणी के साथ इस सृष्टि में तालमेल बैठाना सिखाती है। नाग के बारे में हम सभी जानते हैं, वह कई बार हमारे लिए अमंगलकारी हो जाता है, कई बार कष्टकारी हो जाता है, उससे हमें कई बार प्राणों के खतरे हो जाते हैं, हमारे द्वारा उनके परिवार, उनके वंश को खतरे रहते हैं, अक्सर हम लोग उनको जहां देखते ही मार देते हैं। इसीलिए इसकी जो पौराणिक कथा है वो इस तरीके से जोड़ी गई हमारे धर्मशास्त्रों में कि कोई भी जीव किसी दूसरे जीव को परेशान ना करे, उसके ऊपर कोई अत्याचार ना करे, अनायास उनको मारा ना जाए। तो यह जो है एक दूसरे के सम्मान का पर्व है। आज हम उनका सम्मान करते हैं और एक समय आने पर निश्चित तौर पर जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता वह लौट करके हमें वापस हमारे पास जरूर देते हैं उसका लाभ। तो आज इस तरीके से इस पर्व को हमें मनाना चाहिए कि हम हिंसक ना हो, जितनी अहिंसा हम अपने संस्कारों में आत्मसात कर सकें उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। उत्तर भारत में नागपंचमी के दिन मनसा देवी की पूजा करने का भी विधान बहुत जगह देखा जाता है। देवी मनसा को नागों की देवी माना गया है, इसीलिए बंगाल में, उड़ीसा में और अन्य क्षेत्रों में, भारत के अन्य राज्यों में भी मनसा देवी के दर्शन और उपासना का कार्य किया जाता है। और नाग को पितरों का देवता या पितरों का सूचक भी मानते हैं, इस कारण से भी बहुत सारे परिवारों में नागपंचमी के दिन में अपने पितरों और अपने कुल के देवी देवताओं का, अपने कुल देवता की पूजा का भी विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता हैं। श्रावण मास में नागपंचमी होने के कारण इस मास में धरती खोदने का कार्य वर्जित बताया गया है, नहीं किया जाता है। श्रावण मास के विषय में यह भी मान्यता है कि इस माह में भूमि में हल नहीं चलाना चाहिए, हल प्रवाहण का काम जो है इस मास में नहीं करना चाहिए, नींवें नहीं खोदी जानी चाहिए, यानी घर के कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ सारा काम, बेसिकली जो नींव खोदने का काम होता है वह रोक दिया जाता है। इस अवधि में भूमि के अंदर नाग देवता विश्राम कर रहे होते हैं। भूमि के खोदने से नाग देवता को कष्ट होने की संभावना रहती है, शायद इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने इस कार्य को वर्जित बताया होगा। नाग पंचमी पर किस प्रकार से आपका विधि विधान का पूरा क्रम होना चाहिए ये भी जान लेना आज आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आपको आज पूजा आराधना करनी चाहिए। नागपंचमी के दिन में प्रातःकाल उठ करके घर की साफ सफाई, नित्य कर्म से आप निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्नान करके साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करें। पूजन के लिए सेवई, चावल आदि ताजा भोजन बनाना चाहिए। कुछ भागों में नागपंचमी के एक दिन पहले भोजन बना करके रख लिया जाता है और नागपंचमी के दिन बासी खाना बनाया जाता है। उस दिन घर में रसोई भी नहीं जलाते, यानी अग्नि का भी प्रयोग नहीं करते, ऐसी मान्यता है।
इसके बाद दीवार पर गेरू पोत करके पूजन का स्थान एक निश्चित किया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोयला घिस करके उससे गेरू पोती हुई दीवार पर नाग की जैसी आकृति बनाते हैं, उसमें घर की आकृति बनाते हैं, उनमें उस घर की आकृति में नाग की आकृति बना दी जाती है। कुछ जगहों पर सोने चांदी काष्ठ व मिट्टी की कलम से तथा हल्दी व चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पांच पांच फन वाले नाग देवता अंकित करके उनके पूजन करने का विधान होता है। सर्वप्रथम नाग की बांबी में एक कटोरी दूध चढ़ा करके आते हैं और फिर दीवार पर बनाए गए नाग देवता की दूध, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली इत्यादि, चावल आदि से उनका पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद सेवई व मिष्ठान का भोग उनको लगाते हैं। फिर जो भी कथा इसकी है, इस पर्व की, नागपंचमी की जो विशेष कथा है, वह किसान वाली वह कथा सुनते हैं। नाग देवता के नाग स्त्रोत या निम्न मंत्रों का जाप किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए, जो मंत्र मैं बताता हूँ, या नाग स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलता है। जो मंत्र सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है ओम कुरुकुल्य हुम फट स्वाहा। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम कुरुकुल्य हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से नाग देवता की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस मंत्र की 3 मालाएं जप करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं। नाग देवता को चंदन की सुगंध विशेष प्रिय होती है, इसलिए पूजा में चंदन का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन की गई पूजा में सफेद कमल का प्रयोग भी अवश्य किया जाता है और उपरोक्त मंत्र जो मैंने आपको बताया, इसका जाप करने से काल सर्प योग का भी अशुभ प्रभाव कम होता है, ऐसा मानते हैं। ये नागपंचमी की जो तिथि है, कालसर्प दोष के उपाय के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। त्र्यंबकेश्वर इस दोष की मुक्ति का सबसे सर्वोत्तम स्थान माना जाता है, जहाँ शांति कर्म किया जाता है कालसर्प दोष के लिए। इसके अलावा किसी भी पवित्र नदी के तट पर, जो भी द्वादश ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र है, या किसी भी तीर्थ में, तीर्थ स्थान में भगवान शिव के सानिध्य में आप ये प्रयोग कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं, या कालसर्प शांति के जो उपाय और प्रयोग हैं वह कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति का सामर्थ्य इस कार्य को करने का नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है और यह काफ़ी खर्चीला भी होता है, इसलिए लोग त्र्यंबकेश्वर जा करके जो उसका एक विधि विधान है वो पूरा नहीं कर पाते। तो इस कारण इसके अतिरिक्त कुछ मैं सरल उपाय आपको बताता हूँ, जिससे आप अपने जीवन में कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी समस्याओं में कमी कर सकते हैं, कालसर्प दोष में लाभ पा सकते हैं। तो पहला आपको उपाय करना है, राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप आप करवा लीजिए, यह बहुत आसानी से हो जाता है। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ सह राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप करा सकते हैं। फिर उसके बाद केतु का मंत्र होता है ओम स्त्रांग श्रृंग स्रोंग सह केतवे नमः। राहु केतु कालसर्प योग के लिए प्रमुख कारण माने जाते हैं, ऐसा ज्योतिष का ये नियम है कि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं, जो राहु और केतु उन्हें ग्रसित कर लेते हैं, वो एक ऐसा अशुभ योग बन जाता है, उनके ऊपर ग्रहण योग बन जाता है, जिसे कालसर्प योग के नाम से जानते हैं। तो राहु केतु का निदान कराने से, जाप कराने से वह कष्ट दूर हो जाता है। इसके अलावा सर्प मंत्र या नाग गायत्री, या जिसे सर्प गायत्री मंत्र कहते हैं, उस मंत्र का जाप यदि आप करवा लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो सबसे पहले सर्प गायत्री मंत्र जान लेते हैं, ओम नाग देवताये नमः। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम नाग देवताये नमः। इस मंत्र का जाप करना या करवा लेना ये भी आपको बहुत अच्छा फायदा देता है। सर्प गायत्री मंत्र के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ये बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार सभी देवी देवताओं के गायत्री मंत्र हैं, उसी प्रकार से सर्प देवता के भी अपने गायत्री मंत्र हैं। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इसका एक दूसरा भी स्वरूप है, वह भी आपने सुना होगा, ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इन दो में से कोई भी मंत्र का आप जाप स्वयं कर लें या किसी योग्य आचार्य से जाप करा लें तो आपको कालसर्प योग में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी ऐसे शिवलिंग में या शिव मंदिर में जहाँ शिव जी पर नाग देवता बैठे हुए हों, ऐसा स्वरूप होना चाहिए, वहाँ पर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं या प्रतिष्ठा करवा करके नाग देवता को चढ़ा करके आते हैं, चांदी का हो, तांबे का हो, जिस भी धातु का आप नाग बनवा लें और उसकी प्रतिष्ठा करा करके शिवलिंग के ऊपर आप नाग चढ़ा करके आएँ, समर्पित करके आएँ तो फायदा मिलता है। श्रीमद् भागवत और हरिवंश पुराण का पाठ आप अपने घर में करवाते रहें, ऐसा कहते हैं कि 9 पाठ करा लेने से हर प्रकार का दोष और कष्ट दूर हो जाता है। दुर्गा पाठ कराना, यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने से भी कालसर्प योग जैसे दोष दूर होते हैं।
भगवान भैरव की उपासना उस व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए जिसकी कुंडली में काल सर्प योग बन रहा हो। इसके अलावा श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव जो है वह समाप्त होते हैं, तो भी आपको काफी राहत और लाभ मिल जाता है। राहु केतु के दुष्प्रभाव को, उनके बुरे असर को समाप्त करने के लिए यह रामबाण उपाय है, यानी पाशुपातास्त्र का प्रयोग करना। अगर आप पाशुपातास्त्र का प्रयोग करते हैं, ये एक प्रकार का एक स्त्रोत है, पाशुपात स्त्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके साथ साथ राहु केतु के बीच में अगर ग्रह आ जाएं, जिसे हम लोग काल सर्प योग के नाम से चर्चा कर रहे हैं, ये पितृ दोष भी बताते हैं, तो पितृ शांति करा लेने से भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। घर में फिटकरी, समुद्री नमक तथा देसी गाय का गोमूत्र मिलाकर के रोज आपको उस जल से पोछा लगाना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है। गूगल की धूप यदि आप अपने घर में करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। नाग पंचमी की तिथि में यदि किसी सपेरे से आप नाग खरीद सकें, उसे कुछ पैसे देकर के आप नाग ले लें और उसे अगर आप जंगल में मुक्त कर दें नाग को, सर्प देवता को, तो निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा लाभ होता है। किसी भी प्राणी को मुक्त करना उसके अपने जीवन में, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत पुनीत कार्य, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। घर में जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका चरण स्पर्श करना, उनका आशीर्वाद लेना तथा किसी का दिल ना दुखाना, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। आपको उनका आशीर्वाद देना चाहिए और ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि आपके माध्यम से किसी का दिल ना दुखे, किसी का अपमान ना हो, किसी की भावनाएं ना दुखें। अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो निश्चित ही ग्रहों की शुभता, ग्रहों का आशीर्वाद भी मिलेगा और जीवन भी आपका सुखी और सुखमय बना रहेगा। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें समाचार प्लस पर लगातार जारी है।